नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वासुदेव होमियो में। आज की वीडियो में जानेंगे पित्त उछलना यानी अर्टिकेरिया और हाइप्स के बारे में। इसके अलावा जानेंगे पित्त उछलना के कारण, पित्त उछलना के लक्षण एवं पित्त उछलने की समस्या से छुटकारा पाने की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं पित्त क्या है। पित्त एलर्जी, तनाव या किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण होने वाली एक समस्या है, जिसमें त्वचा पर लाल खुजलीदार चकत्ते हो जाते हैं। ये चकत्ते आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ये एक आपातकालीन समस्या बन जाती है, जिसके लिए तुरंत उपचार लेना आवश्यक होता है। पित्त त्वचा को प्रभावित करने वाली एक ऐसी समस्या है जिसमें त्वचा पर लाल रंग के सूजे हुए उभार होने लगते हैं। ये उभार खुजलीदार चकत्ते होते हैं। पित्त होने की आम वजह होती है किसी पदार्थ से एलर्जी होना। ये चिंता, तनाव या किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी होते हैं। दोस्तों पित्त होने के अन्य कारणों में जब एलर्जी होती है तो हमारा शरीर हिस्टामिन नामक एक प्रोटीन बनाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं एक तरल पदार्थ का रिसाव करती हैं। ये तरल पदार्थ त्वचा में एकत्रित हो जाता है, जिससे चकत्ते होते हैं। पित्त और इसके लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप ठीक होने लगते हैं, लेकिन अगर इसके साथ गंभीर एलर्जी की समस्या हो जाए तो ये एक आपातकालीन स्थिति बन जाती है। ये एक संक्रामक समस्या है। पित्त वैसे तो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में ये खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए पित्त के साथ निम्नलिखित समस्याएँ होने पर चिकित्सक से संपर्क जरूर करनी चाहिए, जैसे चक्कर आना, चकत्तों का फैलना, सांस लेने में आवाज आना, बड़े फफोले होना और छालों में से पानी का निकलना। सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में जकड़न महसूस होना, त्वचा की लाली और दर्द बढ़ना, निगलने में कठिनाई होना, जीभ, चेहरा या होंठ का सूजना, बेहोशी महसूस होना। दोस्तों अगर 2-3 दिनों बाद भी आपकी समस्या ठीक ना हो और लक्षण बढ़ने लगे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों आइए जानते हैं आप पित्त उछलना की होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। मुख्य औषधि, चकत्तों में डंक चुभने जैसा आभास हो, जलन व खुजली हो, सूजन अधिक बढ़ गया हो, प्यास कम या बिल्कुल ना हो तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 1 बार जुबान पर लेनी चाहिए। केस 1, चकत्तों में जलन व खुजली, अत्यधिक बेचैनी, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीने की इच्छा हो तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 1 बार जुबान पर लेनी चाहिए। केस 2, चकत्तों में जलन व खुजली, डंक से रोग बढ़े तो रस्टक्स 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 1 बार जुबान पर लेनी चाहिए। केस 3, जब रोग पुराना हो और चकत्तों में खुजली रात को बिस्तर की गर्मी से बढ़े तो सल्फर 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 1 बार जुबान पर लेनी चाहिए। केस 4, शराब पीने के कारण पित्त की समस्या हो गई हो तो नक्स भूमिका 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 1 बार जुबान पर लेनी चाहिए। परामर्श नोट, होम्योपैथी में रोग के कारण को दूर करके रोगी को ठीक किया जाता है। प्रत्येक रोगी की दवा उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था के अनुसार अलग अलग होती है, अतः यदि आप लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं तो बेहतर होगा कि आप चिकित्सक के परामर्श से दवा का सेवन करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की होम्योपैथी से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।